नमस्कार। आज अपन जानते हैं राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, राजस्थान सरकार हेल्थ स्कीम के बारे में। यह स्कीम राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को कैशलेस उपचार निजी और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करवाती है। पूर्व में सरकारी या निजी अस्पताल में भर्ती होने के बाद बिल संबंधित विभाग में कर्मचारी अधिकारी जमा कराने होते थे और उनको उसका भुगतान किया जाता था। इससे बचने के लिए पहले ही कैशलेस उपचार के लिए स्कीम सरकार लेकर आई है। 5 लाख रुपए तक का सभी कर्मचारी अधिकारियों में लाभ मिलेगा और अगर बीमारी गंभीर है तो अतिरिक्त 5 लाख रुपए भी मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये आईपीडी और डे केयर यानी कि भर्ती और इन्वेस्टिगेशन के सभी मरीजों को सेवा उपलब्ध होगी। अब इसके बारे में, स्कीम के बारे में अपन जान गए हैं। अब जाने की स्कीम का लाभ कैसे लिया जाए। स्कीम के रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी SSO ID में लॉगिन करना है और उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक RGHS नाम से पोर्टल बनाया हुआ है। अगर आप इसको नहीं देख रहे हैं तो आप अदर एक्टिव एप्स में जाकर इसको ढूंढ लें, RGHS को सर्च कर सकते हैं और फिर RGHS पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप RGHS पोर्टल पर जाएंगे आपको इस जानकारी मिलेगी और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि जन आधार आईडी आपको इस योजना में रजिस्टर होने के लिए होनी ही चाहिए। अगर आपके पास जन आधार कार्ड है, जन आधार आईडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ से भी जन आधार आईडी बना सकते हैं। अगर आप नो को क्लिक करके और जन आधार आईडी बनाने के लिए जाएंगे तो आपको एक पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आपको आपके परिवार के मुखिया का विवरण भरना है और मुखिया एक महिला होगी और इसके लिए आपको उस महिला का आधार कार्ड या आधार कार्ड नहीं है तो रसीद संख्या, नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, परिवार की कैटेगरी आपकी क्या है, OBC जनरल ST और आवासीय पता आपको उसमें भरना पड़ेगा। जिला यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। वार्ड, पिन कोड सब डालने के बाद में उक्त महिला का यानी मुखिया का जो भी बैंक अकाउंट है उसकी पूरी डिटेल भी इसमें डालनी होगी और मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी यानी मुखिया खुद जो कि महिला है उसके बारे में, उसके पिता का नाम, माता का नाम आदि सभी, उसकी वैवाहिक स्थिति और पति का नाम यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से इसमें कॉलम में भर सकते हैं। ऐसे करके आपको मुखिया का चूज करना है और इसके बाद में मुखिया की डिटेल पूरी होने जाने के बाद में परिवार में बाकी जो सदस्य हैं उनकी भी जानकारी ऐसे ही फॉर्मेट में भरनी है और संबंधित जो भी उनके डेट ऑफ बर्थ के और जो दस्तावेज हैं वो भी आपको उसमें लगाने होंगे। ये काफी टफ है, इसको भरना आसान नहीं है, इसमें गलती के चांस भी रहते हैं, तो इसे को आप कम से कम 1 या 2 बार अच्छे से देखकर भी भर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनके पास जन आधार कार्ड नहीं है। इसके अलावा भी और भी कई तरीके हैं जन आधार कार्ड बनाने के, तो अपन जन आधार कार्ड नंबर कैसे प्राप्त करें इसकी जानकारी लेते हैं। तो एक एक कर पता करते हैं कि जन आधार कार्ड नंबर कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले हो सकता है कि पूर्ववर्ती सरकार ने आपने भामाशाह कार्ड बनवाया हो, तो मेथड नंबर 1 है। अगर आप किसी भी और योजना में रजिस्टर्ड हैं तो हो सकता है सरकार ने आपका पहले से जन आधार नंबर दे रखा हुआ। इसके लिए आपको एक मैसेज करना है अपने मोबाइल से, जन स्पेस JID स्पेस अपना खुद का जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो नंबर यहाँ पर डालना है और इसको भेजना है 7065051222 पे। इस पे भेजते ही आपको जन आधार नंबर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है, अगर यहाँ भी प्राप्त नहीं होता है तो आप अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया है जन ऐप पर। यहाँ जाकर आप सबसे पहले अपने मुखिया को रजिस्टर कर सकते हैं, मुखिया की डिटेल उसके बाद भर सकते हैं और उसके बाद में दूसरे जो भी परिवार के लोग हैं उनको उसमें जोड़ा जा सकता है। इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा डेमो यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। सिटीजन यानी मुखिया का रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद एनरोलमेंट है, उसका पूरी डिटेल भरनी है, फॉरगॉट पासवर्ड, एक्नोलमेंट स्लिप और अपलोड आपको जो भी डॉक्यूमेंट करने हैं वो सभी आप यहाँ से कर सकते हैं और फिर आप अपना कार्ड का स्टेटस भी पता कर सकते हैं, ये कार्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले सिटीजन रजिस्टर करें तो मुखिया जो भी महिला है उसका नाम यहाँ पर भरें और उनकी आधार संख्या आपको भरनी है, मोबाइल नंबर यहाँ से डालना है, उनका जो भी सेक्स डालेंगे उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ से प्राप्त हो गया है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से आप
उस उक्त परिवार, अपने खुद के परिवार के अन्य सदस्यों का भी सबका एनरोलमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। वापस से आप डैशबोर्ड पे बैक जाकर सिटीजन एनरोलमेंट में यही रजिस्ट्रेशन संख्या डालकर, और ये देखिए आप जो वहां जो खुल रहा था वही मेथड यहाँ पर है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या दिख रही है, मुखिया का पूरा विवरण आपको भरना है, और मुखिया का विवरण भरने के बाद में सबमिट करने के बाद आप दूसरे अपने परिवार के सदस्य भी इसमें जोड़ सकते हैं। ये आपका इसके अंदर दूसरा तरीका है। ये प्रक्रिया आप ई मित्र की सहायता से भी पूरी करवा सकते हैं। आसपास में कोई अगर आपके ई मित्र हो तो आप वहां से जन आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जन आधार नंबर प्राप्त हो गया है, तो इस जन आधार नंबर को आपको अपनी प्रोफाइल में, एसएसओ की प्रोफाइल में अपडेट करना है। जानिए कैसे करते हैं। एसएसओ खोलिए, सबसे ऊपर आपको प्रोफाइल के लिए एडिट क्लिक दिख रहा है, उसके अंदर आप आएंगे तो पाएंगे नीचे आपका जन आधार नंबर खाली है, तो आपको जो नंबर मिला है वो यहाँ पर डालिए, और आपकी फैमिली की लिस्ट दिख रही है, आपको खुद का नाम इनमें से सिलेक्ट कीजिए कि इनमें से आप कौन हैं, अपने नाम को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आपके जो भी आपका नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, और आपका जो भी जन आधार नंबर है वो यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। ओटीपी से फेच करें, ओटीपी यहाँ पर डालें, और ओटीपी डालने के बाद में यहाँ से आप जैसे ही वैलिडेट करेंगे आपकी प्रोफाइल में आपका जन आधार नंबर अपडेट हो जाएगा। ओटीपी डालें और उसके बाद में वैलिडेट करें। वैलिडेट करने के बाद में इसको प्रोफाइल को अपडेट करना है, और अपडेट करने के लिए भी आपके आधार नंबर से जुड़े हुए नंबर पर, मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, उसके बाद ही आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे, तभी आपके नंबर चढ़ेगा वरना नहीं चढ़ेगा। हर कोई आपके एसएसओ में नहीं चढ़ा सकता है। तो ओटीपी नंबर भेजें ताकि आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाए, प्रोफाइल सेव हो जाए, और आप आगे जब चल के आगे की स्टेप में जब आप वेरिफिकेशन अपना करेंगे कि आपकी प्रोफाइल से जन आधार नंबर जुड़ा हुआ है या नहीं है, उसमें ये आगे काम आएगा। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपकी अपडेट हो गई है प्रोफाइल, और आप देखिए यहाँ पर आपका जन आधार नंबर दिख रहा है। अब आगे के स्टेप में अपन वापस से चलते हैं आरजीएचएस पोर्टल पर, क्योंकि अपना जन आधार नंबर मिल गया है और अपने एसएसओ में वो एंट्री भी हो गई है उसकी। अब अपने पास आधार नंबर है, इसको यहाँ पर अपना नंबर डालिए और कंटिन्यू कीजिए। अब आपके फैमिली में जो जो सदस्य हैं वो देखिए आप सब यहाँ पर ये दिखा रहा है, और ये आप देख पा रहे हैं कौन कौन सदस्य हैं। अब इनमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है, यानी आप इनमें से कौन से हैं, सबसे पहले आपको चूज करना है। तो आगे एक डॉट के निशान है, वहां पर आप खुद के आगे अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टिक करें, और उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके वेरिफिकेशन के लिए आगे जाएगा। ये आपकी पूरी फैमिली की डिटेल्स हैं, सबके डेट ऑफ बर्थ दिए हुए हैं, मेंबर आईडीज हैं, ये आपके जैसे ही आपने जन आधार कार्ड बनाया है तब से आई हैं, या फिर आपने पहले कोई भामाशाह में एंट्री करवाई थी वहां से ये फैच होके आ रही है। और इनमें से अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको आपको फैच नहीं करना है, उसको आपको छोड़ देना है। हो सकता है आपके परिवार में दो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, आपके पिताजी अगर हों तो उनको आप अपने साथ में नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको इस स्थिति में केवल खुद को ही लेना है। पेंशनर्स के लिए अभी गवर्नमेंट ने इसमें एसएसओ में कोई रूल किया नहीं है, शायद जल्दी कोई नया नियम आए हम आपको बता देंगे। तो जो आप पर आश्रित हैं केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पर फेच करना है, बाकी लोगों को नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। दो एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट में है तो दोनों की अलग अलग लगाना है। आपको खुद को सिलेक्ट किया और आपने कंटिन्यू किया है। अब देखिए वेट के बाद में आपका नीचे नाम आ जाएगा, ये आपका नाम नीचे। अब आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, या स्टेट सर्विस के हैं, या किस तरह के एम्प्लॉय हैं। अगर आप स्टेट सर्विस के एम्प्लॉय हैं तो 2004 से पुराने हैं, या फिर नए हैं, या पेंशनर हैं, आपको इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने 2004 के बाद वाला एम्प्लॉय सर्च कर लिया है। अब ये अपनी एम्प्लॉय आईडी इसमें डालने के बाद वेरीफाई करेगा और पता करेगा कि ये मैं हूँ या नहीं सरकार के अंदर। तो ये थोड़ा वेट करेंगे आप, चूँकि अपन ने प्रोफाइल पर अपडेट कर दिया है पहले ही, तो ये अपने को यहाँ से फेच कर लेगा और कंफर्म कर लेगा कि हाँ ये सरकारी एम्प्लॉय है। अब आप नीचे आपकी पूरी फैमिली की लिस्ट आ चुकी है, और सबसे ऊपर आप हैं, नीचे आपके जो भी मदर फादर वाइफ वगैरह जो भी हैं उनके आगे आप उनकी रिलेशन आप डाल सकते हैं। अगर इनमें तीन में रिलेशन अवेलेबल नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हैं, और अगर जो खुद से ही एम्प्लॉयड हैं या खुद की जो सैलरीड हैं या पेंशनर हैं
तो उनकी आप इनकम में जो लास्ट का कॉलम है उसमें आप उनकी इनकम डालेंगे, तो वहां से ये अगर इनकी इनकम 6,000 से ज्यादा है तो अपने आप इनको ये लिस्ट से बाहर कर देगा। तो आप जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और जो अलग से अपना बनाना चाहते हैं RGHS कार्ड, उनको यहाँ पर ग्रेटर देन डाल के इसमें जैसे ही सेव कर देंगे तो वो लोग इसमें से हट जाएंगे, वो आप पर आश्रित नहीं माने जाएंगे। और अगर आप जिस जिस को अपना आश्रित इसमें बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए इस 5 लाख की RGHS स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर उस हिसाब से आपको आगे कॉलम में एंट्री दर्ज करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में डाला है कि ब्रदर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इसकी इनकम भी ज़्यादा है 6,000 से, तो ये मेरी लिस्ट से बाहर हो जाएगा। जैसे आपको मैं अभी इसमें करके दिखाता हूँ, फादर मान लीजिए पेंशनर हैं, तो इनको मैंने खुद डाल दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और वाइफ हाउस वाइफ है, तो ये अपने आप इसमें जो भी आश्रित है उन पर आ जाएगी। यहाँ से आप पूरी एंट्री करने के बाद में कंटिन्यू कीजिए, नीचे देखिए जो भी आश्रित जो भी स्कीम में वो आपसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड है, जैसे ये मदर का नाम भी यहाँ पर आ गया है, और चूंकि मैं इसको हटाना चाहूँगा तो ऊपर जाकर ये पिताजी पे आश्रित हैं, तो इनकी भी इनकम ग्रेटर देन कर देंगे और उसके बाद वापस से रिसेट करेंगे, तो केवल 2 लोग इसमें आ गए। अब यहाँ पर मुझे कंसेंट देनी है कि हाँ ये 2 ही आदमी या मैं और मेरी वाइफ दोनों ही इस योजना में इस एक कार्ड में एक RGHS स्कीम में इंक्लूड होंगे, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे इसके अंदर आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके पास अप्रैल के बाद में कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, थैंक यू। और इस वीडियो से आप आशा है कि आपको इससे लाभ मिला है, और अन्य साथियों को भी इसके बारे में बताइए और सब्सक्राइब करें तो हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, यह आपका ही चैनल है आपके ही लिए।